Would you believe me if I tell you that there is a place in Maharashtra where you can observe thousands of migratory birds from all over the globe? If you are skeptical, please watch this video till the end. Welcome to Bighwan Bird Sanctuary. Situated just 2 hours away from Pune, this sanctuary offers you a heavenly bird watching experience. I have never experienced bird watching before, so I am unsure of what to anticipate. I don't have any expectations. I simply imagine I would catch sight of few birds from a distance. However, this experience completely exceeded my wildest imagination. It's like nothing I have ever witnessed before. Truly astonishing and jaw-dropping moment for me. So if you're seeking your next enjoyable and rejuvenating day out with your loved ones, this location is ideal for you. Come along with us as we embark on a once-in-a-lifetime journey here in Maharashtra, filled with breathtaking moments. And without further ado, let's get going. Bighwan Bird Sanctuary is a huge place. इसीलिए आपको यहाँ पर काफी सारे बोटिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां से आप बर्ड वॉचिंग के लिए जा सकते हैं. एंड जिस बोटिंग पॉइंट से हम जा रहे हैं, इस पॉइंट का नाम है कुंभरगांव बर्ड सेंचुरी. एंड अब यहाँ से हम जा रहे हैं पूरे 3 आवर्स के बर्ड वॉचिंग टूर पे. सो अगर आपको इस ट्रिप की पूरी डिटेल्स चाहिए तो इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं इस ट्रिप से रिलेटेड काफी सारे टिप्स एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. So first, let's talk about the bird watching season. अगर आप Bighwan Bird Sanctuary के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो यहाँ विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है अराउंड नवंबर टू अप्रैल, क्योंकि यहाँ पे बर्ड वॉचिंग सीजन स्टार्ट होती है नवंबर से. इस टाइम में आपको डिफरेंट स्पीसीज के माइग्रेटरी बर्ड्स इस जगह पर आपको दिख जाएंगे, जो दूर दूर कंट्रीज लाइक साइबेरिया, साउथ ईस्ट एशियन, नॉर्थ अमेरिका से माइग्रेट होकर यहाँ पर आते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए. और इन सब में सबसे ज्यादा फेमस है फ्लेमिंगो. यहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए जो सबसे ज्यादा फेमस बर्ड्स होते हैं वो है फ्लेमिंगो. और सीजन के टाइम में सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे फ्लेमिंगोस को देखने के लिए आते हैं, जो आपको इस वीडियो में भी देखने मिलेंगे. Oh my goodness, just take a look at this guys. मैंने अपना लाइफ में इतनी सारी फ्लेमिंगोस वाइल्ड में फर्स्ट टाइम देखी है. This is so magical. I don't think कि मैं इस ट्रिप को कभी भूल पाऊंगी. अगर आप महाराष्ट्र में हो, स्पेशली अगर पुणे के आसपास में हो, तो आई विल स्ट्रॉन्गली रेकमेंड कि आप एक बार इस ट्रिप में जरूर जाइएगा. माय गॉड, दिस इज सो मैजिकल. मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे फर्स्ट बर्ड वॉचिंग इतनी सक्सेसफुल होगी. आई एम जस्ट सो हैप्पी. अभी कलर इतना दूर आने के लिए धूप में जाते हैं, मतलब इतना दूर आने की जरूरत नहीं है. दिसंबर में जब पास में ही दिखते हैं. वाओ वाओ, माय गॉड, माय गॉड, उड़ गया. Thank you.
आप लोग पूरा नॉलेज हो गया ना इनके पास रह रहे थे। वाह उसका हाइट सही है ना पूरा। सिर्फ उसका पैर कितना लेंथ कितना होगा? वैसे 3 से 4 फीट है। हाँ छोटे हैं। हाँ एक ही पैर में सो गया। वाह कितना सुंदर है। डॉट आवर है। मस्त है एकदम। देखना उसे और यहाँ पर जो बर्ड्स आप देख रहे हैं ये है ब्लैक हेड आइबिस। ब्लैक हेड आइबिस के फुल बॉडी जो है व्हाइट कलर की होती है और उनके हेड और नेक जो है ब्लैक कलर की होती है। ये ज्यादातर आपको वेटलैंड्स एग्रीकल्चर फील्ड्स कोस्टल एरियाज में दिख जाएंगे। और ये जो सारा है इसका नाम क्या? वो ब्लैक हेड आइबिस है। अच्छा ब्लैक हेड आइबिस है। और ये ब्लैक विंग स्टिल्ट है। पिंक कलर का पैर है ना छोटा। हां हां राइट है। वाला ब्लैक विंग स्टिल्ट है। वो स्पूनबिल में दूसरी तरफ दिखाता हूं आपको। ये कुछ टाइम रहता है क्या? ये अभी अभी यहाँ पे टोटल कितने बर्ड्स माइग्रेट होते हैं यहाँ पे? यहाँ पर बहुत सारे हैं लेकिन अभी पानी कम है ना। हाँ हाँ। तो इसलिए थोड़ा घूमना पड़ता है। ओके तो हमेशा से रहते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम? हमेशा से रहेंगे यहाँ पे मतलब एक महीना रहेंगे। ओके बाद में चले जाते हैं। अभी पानी कम हो जाता है ना। हाँ हाँ। तो बाद में चले जाते। ओके And right here we have another species called spoonbill. Spoonbill is a large white water bird with black spoon-shaped bill, facial skin, legs and feet. Inka jo main diet hota hai wo zyadatar fish hoti hai. So most of the time aapko ye birds shallow water mein feed karte hue dikh jayenge. एंड यहाँ पर आप जो दो ऑरेंज एंड ब्राउन बर्ड्स देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड रूडी शेल्डर। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्राह्मणी डक इन इंडिया। ये दिखने में आपको डक या गूस जैसा दिखाई देंगे। विंटर मंथ्स में रूडी शेल्डर जो है वार्मर रीजन्स लाइक साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में माइग्रेट करते हैं। उड़ गया। वो जो पीछे दिख रहा है ना ब्लैक और व्हाइट में बड़ा बड़ा वाला ओपन बिल स्टार। और दूसरा आगे देखो उसके आगे गोल्डन कलर का है जो टाइप करके रहा है ना। वो रूडी शेल्डर। अच्छा वहां पे ना। ओके काफी सारे बर्ड पानी के पास नहीं आते हैं ना लेकिन अभी बोट है ना तो इसलिए। आज के ट्रिप में हमारे साथ जा रहे हैं कृष्णा जो हमारा बोट कैप्टन है और साथ ही साथ हमारा गाइड भी है। ऑल थैंक्स टू हिम कि हमारा आज का ये ट्रिप बहुत ही अमेजिंग एंड सक्सेसफुल रहा। तो चलिए जानते हैं कुछ अमेजिंग बातें इस बर्ड सेंचुरी के बारे में। तो सबसे मेन रीजन यहाँ पे आने का जो है क्या है? बर्ड वॉचिंग का है ना। बर्ड वॉचिंग का है जो हमारे इधर फ्लेमिंगो है। वो मैंने जो वो साइबेरिया से आते हैं हमारे इधर। ओके तो नवंबर से वो आते हैं तो बहुत सारे दिखते हैं आपको देखने के लिए। बहुत सारे बर्ड्स हैं, दूसरे भी बहुत आते हैं लेकिन कैसा है ना तो नवंबर से स्टार्ट होता है। ओके तो आप कब भी आ सकते हो। और फ्लेमिंगोस बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके के लिए बहुत टाइम लगता है लेकिन घूमना पड़ता है ना बहुत ज्यादा। राइट राइट। तो आप कुछ बर्ड्स के नाम बता सकते हो यहाँ पे कॉमन क्या क्या बर्ड्स मिलते हैं? फ्लेमिंगो और फ्लेमिंगो है, ब्लैक हेड आइबिस है, ओपन बिल स्टॉर्क है, पेंटेड स्टॉर्क है और स्पून बिल और राफ्टर में ऑस्प्रे, ईगल और हेरियर
और बहुत सारे रहते हैं। ओके, और यहाँ पे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े व्हाइट और ब्लैक बर्ड्स आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन बिल स्टॉक। और यहाँ पे मैक्सिमम आपको हर जगह इसी बर्ड्स की स्पीसीज आपको ज्यादातर दिखाई देंगे। ये जो डक का जैसा, इसका नाम क्या? गोल्डन वाला डक वाला, इसका नाम क्या? रूडी शेल्ड। और दूसरा ये सब ओपन बिल स्टॉक है, इसके चोंच में गैप रहता है, इसलिए इसको ओपन बिल स्टॉक। ओके, ये सारे बर्ड्स है ना, माय गॉड। और यहाँ जो लेक है, ये जो जगह का नाम है, आई थिंक बिग वन है ना? हाँ, बिग वन, बिग वन बर्ड सेंचुरी, बिग वन बर्ड सेंचुरी, राइट। और यहाँ पे भी मैंने देखा काफी सारे अलग अलग स्पॉट्स है ना, अलग अलग पॉइंट है। आपके जो पॉइंट से आए हैं उस जगह का नाम क्या है जहाँ से हम चढ़े हैं? कुंभरगांव बर्ड सेंचुरी है। कुंभरगांव, ओके। तो और दिन के टाइम में या फिर कौन से टाइम में विजिट करना सबसे बेस्ट होगा बर्ड्स को देखने के लिए? अब बर्ड्स के लिए तो सुबह सुबह अच्छा रहता है, सुबह और शाम को कैसा फ्रेश वातावरण रहता है तो अच्छा लगता है। ओके, और बर्ड्स बहुत सारे घूमते हुए ऐसे दिखते हैं इसलिए। ओके, मॉर्निंग में टाइम में ज़्यादा रहते हैं बर्ड्स? नहीं, वैसा कुछ नहीं, बर्ड्स तो बहुत सारे रहते हैं लेकिन कैसा एक्टिव रहते हैं ना थोड़ा, ओके, तो इसलिए अच्छा लगता है। ओके, और आप लोग का जो फर्स्ट ट्रिप है, हाँ, उसका टाइमिंग कौन सा है? 6 बजे से स्टार्ट होता है। 6 बजे से स्टार्ट होता है, शाम के 7 बजे तक रहता है, पूरा दिन रहता है। आप कॉस्ट बता सकते हैं क्या एक ट्रिप का? एक ट्रिप का राउंड पे रहता है। ओके, एक घंटे का 1000 लेते हैं। ओके, और 2-3 राउंड आपको जितना करना है उतना कर सकते हो आप। अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू। ये वैरायटीज का है, यहाँ पर 50-60 होगा। 50 पूरा दिन तो भी कवर नहीं होता, अच्छा घूमना पड़ता है, अलग अलग जगह पर रहता है ना। यहाँ पे जो सबसे फेमस वाला कौन सा है? सबसे फेमस जो देखने आते हैं ज्यादा क्या दिखते हैं यहाँ पर? फ्लेमिंगो देखते हैं। फ्लेमिंगो देखते हैं, एक बर्ड है ना, उसके 2-3 वैरायटी रहते हैं। वो कहाँ है अभी फ्लेमिंगो का काम? वो दूर जाना पड़ता है, हम जा रहे हैं ना, मंदिर देखेंगे और फ्लेमिंगो। नेक्स्ट वी हैव दिस ब्यूटीफुल बर्ड कॉल्ड ग्लॉसी आइबिस। ग्लॉसी आइबिस आपको दूर से ब्लैक कलर के दिखाई देंगे, बट जब आप उसको क्लोज में देखेंगे तो आपको एक बहुत ही सुंदर कलर दिखाई देंगे, एक बहुत ही गुड लाइट में, which is a mixture of deep maroon, emerald browns and violet. Painted stag. Chitra balak. Chitra balak. Wow. Kitna sundar hai. Ye udte nahi hai. Ah, isme color mix rehta hai. मस्त दिखते ना। सामने जो आप ब्लैक कलर के बर्ड्स देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्मोरेंट्स। आई एम श्योर आपने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पे चाइनीज फिशरमैन कॉर्मोरेंट्स को यूज करते हैं फिशिंग के लिए।
Cormorant fishing is a traditional fishing technique in which fishermen use trained cormorants to catch fish in rivers. और हिस्टोरिकली कॉमरेंस फिशिंग जो है चाइना और जापान जैसे देशों में देखने को मिलते हैं। उसके मुंह में मछली है। हाँ, खा लिया ना। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, अगर आप यहाँ पर आते हैं कुंभरगांव बर्ड सेंचुरी से और वो भी 3 hours के टूर के लिए, तो प्लीज धूप से बचने के लिए अपने साथ कैप और सनस्क्रीन लाना मत भूलिए। साथ ही साथ अपना साथ पानी और कुछ स्नैक्स पैक जरूर कर लीजिएगा ताकि आप इस ट्रिप को और भी अच्छी तरह से एंजॉय कर पाए। हमने 3 hours का बोट राइड लिया है और हमें इसका कॉस्ट पड़ा है 2000 rupees पूरे ट्रिप का। एंड द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर दिस प्लेस इज ड्यूरिंग द सनराइज और सनसेट, बट आई विल रेकमेंड कि आप सनराइज के टाइम पर आइएगा क्योंकि अगर आपके दिन की शुरुआत कुछ ऐसे नज़ारों के साथ हो तो बात ही क्या है। स्पॉट था ना, पर आपको बहुत सारे लोकल्स जो है फिशिंग करते हुए दिख जाएंगे एंड यहां से आप फ्रेश फिश जो है उनसे परचेस कर सकते हैं। वाओ, तो मेरा इतना बड़ा तो क्या दाम में बेचते? 55 55 57 तो वैसे 57 क्या मछली है ये? तिलापिया। और क्या क्या फिश मिलते हैं यहाँ पे? तिलापिया। अच्छा, तिलापिया ही है। भाई जी ओ ओ नाइस दम से काम करे वहाँ पे ये जो मंदिर है ना, मंदिर हाँ हाँ ये सब पानी में रहता है। अच्छा, दिसंबर में? हाँ। ओके, पेड़ दिख रहे हैं उधर रोड साइड के? अच्छा, वहाँ पानी में ही रहता है सब पूरा। ओके, पानी में डूबा रहता है। हाँ हाँ, अगर आप नवंबर या दिसंबर में आते हैं तो बहुत ही कम डिस्टेंस में आप बहुत सारे बर्ड स्पॉट कर पाएंगे। सामने जो ओपन फील्ड आप देख रहे हैं ये सारे के सारे पूरे पानी में डूबा रहता है अराउंड नवंबर दिसंबर के टाइम में। इवन ये मंदिर जो आप देख रहे हैं जो इस लेक के ठीक सेंटर में है, ये भी नवंबर दिसंबर के टाइम में पूरे के पूरे पानी में डूबा रहता है। काला काला है।
पानी रहता है। तो ये सारा 2 से 2.5 फीट सिर्फ ऊपर रहता है। तो पहले इधर गांव था, ये जो डैम था ना उससे पहले इधर गांव था। अच्छा। और जब डैम बना है ना तब यहाँ से दूसरे गांव को उधर ले शिफ्ट किया है। ये सब नक्शी मूर्ति वगैरह जो हाथ से बनाते हैं ना पहले बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर वो रखा, इसको क्या मंदिर बोलते हैं? महादेव का मंदिर है। वो तो बोलता पानी वहाँ तक रहता बोलता है। वो तो ऊपर हर साल अच्छा पानी जो ब्लैक हुआ है ना वहाँ तक पानी रहता है। अच्छा 2 से 2.5 फीट सिर्फ ऊपर का रहता है। पानी के बीचों बीच में है तो पानी से पूरा भर जाता है। क्या डैम बोलते हैं इसको? क्या है? उजनी डैम ना। हाँ नहीं इधर आ जाओ थोड़ा अच्छे लगेगा। ठीक है ट्रिप इधर आना है तो फिर 5 बजे से स्टार्ट करते हैं। अच्छा 5 बजे अंधेरे में आ गए तो इधर सनराइज को इधर आते हैं ना। और अच्छा सनराइज में आ जाते हैं। सनराइज में ये मंदिर का फोटो अच्छा निकलता है क्योंकि उधर से सन दिखेगा और इधर से फोटो निकालेंगे तो सन पीछे आ जाता है। और सनसेट के टाइम पे भी अच्छा निकलता है उधर से। ये सब पहले मतलब पहले के जमाने का है, मिट्टी से सब किया है। सुंदर है ना बहुत, ऐसा लगता है कि पत्थर का है। ऐसा लग रहा है कि ये अभी बनाया है। ईट वगैरह जो दिख रहा है ना उससे लगता है कि अभी बनाया है। मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा, तो कृष्णा आप ये बताइए सबसे पहले ये जगह का नाम क्या है? ये पर्सदेव का मंदिर है। इधर हम बहुत साल से मंदिर दिखाने आते हैं तो ये मंदिर बहुत पुराना है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं। ओके तो ये मंदिर ना पूरा पानी में रहता है पूरे साल। तो ये 1-2 महीने के लिए ओपन हो जाता है पूरा पानी के बाहर तो बहुत सारे लोग इधर देखने के लिए आते हैं। ओके और देखने के लिए भी दूसरे बर्ड्स वगैरह जो है बहुत सारे रहते हैं। राइट That's it for today everyone. I hope you all enjoyed this video. If you have any questions about the trip, please don't hesitate to ask in the comments. Take care and I will see you in the next video.